नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 26 दिसंबर 2017। स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। इस वीडियो में हम हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज एंटी ट्रैफिकिंग ड्राफ्ट से संबंधित है। नाम है ट्रैफिकिंग ऑफ पर्संस प्रिवेंशन प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन बिल 2017। जल्द ही इस ड्राफ्ट को कैबिनेट की अप्रूवल मिल सकती है, तो इस बिल के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पे हम बात कर लेते हैं। अभी देखो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज हैं, वैसे तो देखो ह्यूमन तस्करी को रोकने के लिए या फिर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए कोई भी स्पेशल लॉ नहीं है। डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के अंदर डिफरेंट रूल्स हैं, लेकिन जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज हैं स्कैटर्ड रूप से, उन लॉज में इवन विक्टिम्स को भी ऑफेंडर माना जाता है। मतलब वो पर्सन जिसकी ह्यूमन तस्करी हुई है, जिसकी मानव तस्करी हुई है, जिसको ट्रैफिकिंग करके लाया गया है, उसको भी अपराधी माना जाता है, कसूरवार माना जाता है। लेकिन ये जो ड्राफ्ट अब तैयार किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, इसमें कहा गया है अगर किसी महिला की तस्करी होती है और उसको वेश्यावृत्ति के रास्ते पर धकेल दिया जाता है, तो उसको कसूरवार नहीं माना जाएगा, उसको पीड़ित माना जाएगा, विक्टिम माना जाएगा। तो ये पहला प्रोविजन है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ड्राफ्ट के अंदर। इसके बाद पनिशमेंट का प्रोविजन है। जो पर्सन ह्यूमन ट्रैफिकिंग को अंजाम देगा उसे 14 साल की सजा और फाइन हो सकता है, और विक्टिम्स की रिहैबिलिटेशन की जाएगी। इसके लिए ड्राफ्ट में कहा गया है एक अलग से एंटी ट्रैफिकिंग फंड डेवलप किया जाएगा, बनाया जाएगा, और विक्टिम्स को नई आइडेंटिटीज भी दी जाएगी। इसके बाद प्रोविजन है प्लेसमेंट एजेंसीज, कई बार आपने देखा होगा कि नौकरी देने की आड़ में मानव तस्करी को अंजाम देती हैं, तो प्लेसमेंट एजेंसीज के लिए अपने आप को रजिस्टर करवाना कंपलसरी बना दिया गया है इस ड्राफ्ट के अंदर। और सबसे लास्ट में प्रोविजन है कि अगर कुछ लोग उन महिलाओं को जिनकी मानव तस्करी हुई है, उनकी सेक्सुअल मेच्योरिटी को एक्सेलेट करने के लिए अगर किसी प्रकार का इंजेक्शन देते हैं या फिर ड्रग्स देते हैं, हार्मोन्स देते हैं, तो उस पर्सन को भी 10 साल की सजा और 1,00,000 तक का फाइन हो सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ड्राफ्ट के बारे में। अभी इसे कैबिनेट का अप्रूवल नहीं मिला है, कैबिनेट का अप्रूवल मिलने के बाद पार्लियामेंट में इसे प्रेजेंट किया जाएगा। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल कंसोलिडेटेड मॉडल कंडक्ट डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स फॉर सीपीएसईज के बारे में है। सीपीएसईज का मतलब है यहां पे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। तो देखो, सरकार ने सीपीएसईज के एम्प्लॉयज के लिए सबसे पहले रूल्स बनाए थे 1974 में, उनको कैसे कंडक्ट करना चाहिए। उसके बाद सरकार समय समय पे चेंज करती गई इन रूल्स में। अब सरकार ने पुराने रूल्स को मिला के और कई नए रूल्स ऐड करके कंसोलिडेट रूप से एक नए रूल्स डिक्लेयर किए हैं सीपीएसईज एम्प्लॉयज के लिए कि कैसे उनको कंडक्ट करना है। कुछ बातें इस प्रकार से हैं, जैसे सीपीएसई एम्प्लॉयज को कहा गया है इन रूल्स के अंतर्गत कि आप किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, किसी प्रकार का गिफ्ट आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, और पब्लिकली अल्कोहल या फिर नशे की किसी दूसरी चीज को कंज्यूम नहीं कर सकते, और नशे की हालत में आप पब्लिकली आओगे भी नहीं बाहर। उसके बाद इलेक्शंस में आप, चाहे वो लोकल इलेक्शंस हों या फिर लेजिस्लेचर्स के इलेक्शन हो, किसी दूसरे पर्सन के लिए प्रचार नहीं कर सकते, और आप किसी ऐसे धरना प्रदर्शन में पार्टिसिपेट नहीं करोगे जिससे वायलेंस हो सकता है। सबसे लास्ट में आप ना तो दहेज दोगे ना ही दहेज लोगे। तो इस प्रकार के कुछ एग्जांपल्स हैं ये, और भी काफी सारे रूल्स हैं। तो ये पूरा आर्टिकल था कंसोलिडेटेड मॉडल कंडक्ट डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स फॉर सीपीएसईज के बारे में है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल मोटर व्हीकल बिल के बारे में है। देखो, मोटर व्हीकल बिल जो है वो लोकसभा से पास हो गया है, अप्रैल में पास हो गया था। उसके बाद लोकसभा से पास होने के बाद इसे सेंड किया गया राज्यसभा में। राज्यसभा में अभी तक पास नहीं हुआ है मोटर व्हीकल बिल। राज्यसभा ने ये बिल अपनी एक सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा। अब सिलेक्ट कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं मोटर व्हीकल बिल के बारे में। सिलेक्ट कमेटी ने कहा है कि देखो, आरटीओ ऑफिशियल्स हैं या फिर ट्रैफिक ऑफिशियल्स के आगे एक कैमरा लगा होना चाहिए, छोटा कैमरा, जिससे जो भी पब्लिक डीलिंग करते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले या फिर आरटीओ ऑफिशियल्स, सब कुछ उनकी पब्लिक डीलिंग रिकॉर्ड होनी चाहिए ताकि करप्शन को रोका जा सके। इसके अलावा सिलेक्ट कमेटी ने यह भी कहा है कि साइक्लिस्ट, पेडेस्ट्रियन यानी पैदल चलने वाले यात्री या फिर साइक्लिस्ट या फिर बस यूजर्स, इनकी प्रोटेक्शन के लिए प्रोविजन होने चाहिए मोटर व्हीकल बिल में। उसके बाद लॉन्ग डिस्टेंस जो बसेस होती हैं उनके अंदर इनबिल्ट टॉयलेट्स होने चाहिए, यह भी कहा है सिलेक्ट कमेटी ने। और सबसे लास्ट में सिलेक्ट कमेटी ने कहा रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसेज को इंडिपेंडेंस दी जाएगी, लेकिन वन नेशन वन परमिट वन टैक्स। अभी देखो, सभी स्टेट्स में अलग अलग ढंग से परमिट होता है, अलग अलग ढंग से टैक्स देना पड़ता है। तो सिलेक्ट कमेटी ने ये रिकमेंडेशंस दी है कि पूरे देश में एक ही परमिट, एक ही टैक्स सिस्टम होना चाहिए व्हीकल से संबंधित। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस दी जो कि राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी ने दी मोटर व्हीकल बिल से संबंधित। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल तीस्ता रंजित टूरिज्म फेस्टिवल 2017 के बारे में है। दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में कई दिनों तक शटडाउन रहा, स्ट्राइक रही। क्यों?
क्योंकि गोरखालैंड के रूप में अलग से राज्य की मांग वहां पे चल रही थी, तो इसीलिए टूरिज्म सेक्टर प्रभावित हुआ दार्जिलिंग और कालिम्पोंग का। अब देखो वहां पे लोगों का जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है वो तो टूरिज्म ही है, लेकिन स्ट्राइक की वजह से उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो प्रभावित हुआ। तो अब कोशिश की जा रही है इस तीस्ता रंजित टूरिज्म फेस्टिवल 2017 की सहायता से दार्जिलिंग और कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में टूरिज्म को फिर से रिवाइव किया जा सके। तो दार्जिलिंग और कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट के जो डिफरेंट टाउन्स हैं वहां पे फेज वाइज चलेगा ये तीस्ता रंजित टूरिज्म फेस्टिवल 2017। तो ये आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल इंडिया की पहली डिजाइन यूनिवर्सिटी के बारे में है। इंडिया की पहली डिजाइन यूनिवर्सिटी का नाम है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन का कैंपस ओपन हुआ है सोनीपत हरियाणा में। काफी सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेशन है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन का, जैसे कि UWS, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट स्कॉटलैंड, VFS, वैंकोवर फिल्म फेस्टिवल, IAAD, इटालियन यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन। ये जो इंडिया की पहली डिजाइन यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन, एक यूनिक करिकुलम को फॉलो करती है जिसमें कि रिसर्च, एकेडमिक एक्सीलेंस, इंडस्ट्री प्रिपेयर्डनेस और सोशल इनोवेशन को एंकरेज किया जाता है। तो याद रखिएगा, अगर UPSC पूछती है कि इंडिया की पहली डिजाइन यूनिवर्सिटी का नाम क्या है या फिर कैंपस कहां पे ओपन हुआ है, तो ये सब बेसिक डिटेल्स आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। आगे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है उड़ीसा से। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उड़ीसा को एक्सपोर्ट के लिए चैंपियन स्टेट रिकॉग्नाइज किया है, क्योंकि उड़ीसा से एक्सपोर्ट में काफी ज्यादा ग्रोथ रेट देखने को मिली है। 2015-16 में उड़ीसा से एक्सपोर्ट हुआ 19,082 करोड़ रुपए का, यानी 19,082 करोड़ का। उसके बाद 2016-17 में उड़ीसा में एक्सपोर्ट हुआ 40,872 करोड़ का, यानी 40,872। तो एक्सपोर्ट सेक्टर में इतनी ज्यादा ग्रोथ रेट होने के मद्देनजर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उड़ीसा को चैंपियन स्टेट फॉर एक्सपोर्ट्स रिकॉग्नाइज किया है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल मेघालय से है। मेघालय हमारे देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने सोशल ऑडिट के लिए अलग से कानून बनाया है। सोशल ऑडिट में क्या होता है, किसी स्कीम के पोटेंशियल बेनिफिशरीज स्कीम की इंप्लीमेंटेशन को मॉनिटर करते हैं। अभी देखो सोशल ऑडिटिंग एक अच्छी चीज है क्योंकि इससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आती है। सरकार सोशल ऑडिटिंग को एंकरेज तो करती है लेकिन अपनी तरफ से कुछ स्टेप या फिर एफर्ट नहीं लगाती सोशल ऑडिटिंग के लिए। आमतौर पर सिविल सोसाइटीज या फिर जो NGOs हैं वो सोशल ऑडिटिंग के लिए स्टेप्स उठाते हैं, लेकिन मेघालय ने अब कानून बनाया है। मेघालय की सरकार सोशल ऑडिट फैसिलिटेटर को अपॉइंट करेगी ताकि स्कीम्स की सोशल ऑडिटिंग आसानी से हो सके और जो भी पोटेंशियल बेनिफिशरीज हैं स्कीम्स के, जो लाभार्थी हैं, उनको उस स्कीम का उचित लाभ मिल सके, किसी प्रकार का करप्शन उस स्कीम में ना हो। तो याद रखिएगा, अगर UPSC पूछती है तो मेघालय हमारे देश में पहला ऐसा राज्य है जिसने सोशल ऑडिटिंग के लिए लॉ बनाया है और जो सोशल ऑडिट फैसिलिटेटर को अपॉइंट करेगा। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। आगे PIB है, देखते हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है। ओडोरोना अरुणाचलेंसिस, ये न्यू स्पीसीज है फ्रॉग की जिसे डिस्कवर किया है साइंटिस्ट ने। नाम से ही पता आपको लग जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश की है क्योंकि नाम में अरुणाचलेंसिस है ये फ्रॉग। बाकी जो डिटेल्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस प्रकार की डिटेल्स हैं कि मीडियम साइज ग्रीन कलर का फ्रॉग है जो न्यू स्पीसीज साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। आंखों के बीच में एक ब्लैक कलर का बैंड है। ये सब डिटेल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, UPSC इन सब चीजों पर फोकस नहीं करती आमतौर पर, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल UN ओशियन कॉन्फ्रेंस के बारे में है। UN ओशियन कॉन्फ्रेंस हुई थी जून 2017 में। तो जिन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था UN ओशियन कॉन्फ्रेंस में, काफी सारी वॉलंटरी कमिटमेंट्स उन्होंने की थी। उन्होंने कहा था कि हम ओशियंस को कंजर्व करने के लिए काफी सारा एक्शन लेंगे। तो अब एक मल्टी स्टेक होल्डर कम्युनिटी ऑफ ओशियन एक्शन बनाई गई है ताकि जून में जब कॉन्फ्रेंस हुई थी जिन जिन कंट्रीज ने वॉलंटरी एक्शन लेने की बात कही थी उस चीज को मॉनिटर किया जा सके, क्या वास्तव में पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज ओशन को कंजर्व करने के लिए एक्शन ले भी रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। कुछ और इंफॉर्मेशन हम डिस्कस करें UN ओशन कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो नाम से ही पता लग जाएगा UN की कॉन्फ्रेंस है, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और इसके बाद काम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 को इंप्लीमेंट करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 बात करता है ओशन को कंजर्व करने की, तो इस गोल को इंप्लीमेंट करना लक्ष्य है UN ओशन कॉन्फ्रेंस का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी UN ओशन कॉन्फ्रेंस के बारे में। अब हम शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ड्राफ्ट के बारे में डिस्कस किया। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने यह ड्राफ्ट तैयार किया है और जल्द ही कैबिनेट की अप्रूवल मिल सकती है इस एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ड्राफ्ट को। उसके बाद हमने कंसोलिडेटेड मोडल कंडक्ट डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स फॉर CPSEs डिस्कस किया। मोटर व्हीकल बिल के बारे में सिलेक्ट कमेटी, राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी ने काफी सारी रिकमेंडेशंस दी हैं। लोकसभा में मोटर व्हीकल बिल पारित हो गया है, राज्यसभा में अभी तक पारित नहीं हुआ है। उसके बाद हमने
तीसता रणजी टूरिज्म फेस्टिवल के बारे में डिस्कस किया। इंडिया की पहली डिजाइन यूनिवर्सिटी जिसका नाम है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन ने अपना कैंपस ओपन किया है सोनीपत हरियाणा में। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने उड़ीसा को एक्सपोर्ट के लिए चैंपियन स्टेट रिकॉग्नाइज किया है, याद रखिएगा। इंडिया का पहला सोशल ऑडिट लैब बनाया मेघालय ने, मेघालय सोशल ऑडिट फैसिलिटेटर को अपॉइंट करेगा ताकि सोशल ऑडिटिंग स्कीम की आसानी से हो सके। उसके बाद पीआईबी में हमने डिस्कस किया नई फ्रॉग स्पीसीज ओडोरना अरुणाचलेंसिस के बारे में, और सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस के बारे में जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। तो फिलहाल आज के डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।